ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है, जिसके चलते सभी देशवासी भारत की जीत की कामना कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में युवा सेना नागपुर जिला द्वारा जिला प्रमुख शरद सरोदे के नेतृत्व में भव्य महाआरती का आयोजन किया गया था। युवा सेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट की ओर से आयोजित इस भव्य रैली एवं महाआरती में हनुमान जी की आरती कर भारत के विजय की कामना की गई। जहां बोलते हुए जिला प्रमुख शरद सरोदे ने कहा कि जिस प्रकार से हम अपने बूते पर पहले भी वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, हमारा विश्वास हमारे खिलाड़ियों के साथ है, लेकिन फिर भी जिस प्रकार से हर एक व्यक्ति भगवान को अगरबत्ती लगाते समय अपने मंगल की कामना करता है, उसी तरह हम भी हमारे देश के विजय की कामना भगवान हनुमान से कर रहे हैं। और हमें यकीन है कि हमारे होनहार खिलाड़ियों की सक्षमता एवं साहस के बूते पर हम यह वर्ल्ड कप जरूर जीतेंगे। यह उसी विजय का जल्लोष है। युवा सेना द्वारा आयोजित इस हनुमान महाआरती में भारत की जीत की कामना की गई, जहां नारे देते हुए युवा सेना कार्यकर्ताओं ने भारत जिंदाबाद के नारों के साथ अपना उत्साह जाहिर किया। इस समय युवा सेवा जिला प्रमुख शरद सरोदे के हाथों हनुमान महाआरती की गई। जिस प्रकार से 1983 में माननीय कपिल देव जी ने जो वर्ल्ड कप लाया था, सबसे पहला उल्लास हमारे देश में वहाँ तब मनाया गया था। फिर उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी जी के हाथ से फिर एक वर्ल्ड कप लाया गया। इस बार ऐसा लग रहा है कि 2023 में रोहित जी शर्मा, जो हमारे भारत के टीम के कप्तान हैं, वो इस बार 2023 में वर्ल्ड कप लाएंगे, ये सभी हमारा आत्मविश्वास है, सभी हमारे भारतवासियों का आत्मविश्वास है। युवा सेना की ओर से शिवसेना माननीय बाला साहेब ठाकरे, उद्धव जी ठाकरे, माननीय आदित्य जी ठाकरे, युवा सेना जिला प्रमुख शरद सरोदे, युवा सेना की ओर से आज एक कार्यक्रम आयोजित किया है। आप देख सकते हैं, ये हनुमान मंदिर है वैशाली नगर का। यहाँ पे युवा सेना की ओर से हमने वर्ल्ड कप जीतना चाहिए, क्योंकि हमारे जो खिलाड़ी है वो तो अपना 100% प्रयत्न करते हैं कि वर्ल्ड कप लाना चाहिए, लेकिन आप देखते होंगे हर परिवार में रोज़ सुबह अगरबत्ती लगाई जाती है। उनको तो आत्मविश्वास रहता है कि हम अच्छे से अच्छा कमाएंगे, अपने परिवार को सुखी रखेंगे, लेकिन हमारे भारत देश में भगवान, पूजनीय भगवान भी है, जिनको पूछ के अपनी मनोकामनाएं भारत का हर नागरिक पूरी करता है। इसलिए हम युवा सेना की ओर से आज वैशाली नगर DNA ग्राउंड में ये जो बजरंग बली जी का मंदिर है, बजरंग बली संकट मोचन है, वो बहुत जल्दी सुन लेते हैं, और आज बजरंग बली की महाआरती युवा सेना की ओर से रखी गई है कि जितने भी हमारे खिलाड़ी है, हमारे बजरंग बली भगवान उनको अपनी ताकत प्रदान करे, उनको एक दिव्य ताकत दे और वर्ल्ड कप भारत की झोली में आ जाए। इसीलिए हमने आज यहाँ पे एक महाआरती रखी है बजरंग बली जी की। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ मनीष ठेमरे, BCN न्यूज़ नागपुर।